ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्ने अबी हातिम ने खालिद बिन मदान की मज़कूरा रिवायत में ये भी बयान किया है कि अगर कोई बच्चा साक़ित हो जाए तो वो जन्नत की नहरों में तैरता रहता है और कयामत तक ऐसा ही होता है, यहाँ तक कि वो बरोजे महर 40 साल होकर निकलेगा। तो ये एक और हमें इब्ने अबी हातिम के तरीक़ से एक और रिवायत आती है कि जो बच्चा साक़ित हो जाए, यानी कि एक बच्चा होता है 4 माह में रूह डाली जाती है पेट में और फिर वो पेट में ही सक़त हमल हो जाए, बच्चा गिर जाए, जिसको कहते हैं रूह फूंकने के बाद बच्चे का गिर जाना, तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होगा। तो ऐसे बच्चों के मुताल्लिक़ ये एक रिवायत हमारे सामने आती है।